हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, जहाँ मिहिर को बाय बाय बोलेंगे और इट्स योर बॉय रिएक्टर भाई को हाय हाय बोलेंगे। यानी हर हफ्ते अगर वीडियो डालनी है तो नए नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी होगा, ताकि मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग रहे और तुम्हारे लिए भी। सेम जीसीपीटी चीजें देखने को किसको भी इंटरेस्टेड नहीं रहता और किसको करने के लिए भी नहीं। इसीलिए तो मैं अभी से एक नया कैरेक्टर प्ले करूंगा, वो है जो इट्स योर बॉय रिएक्टर भाई, जो लोगों को अनफनी बोलेगा, क्रिंज बोलेगा। यानी जिसका कॉन्टेंट टट्टी है उसे टट्टी बोलेगा, जिसका अच्छा है उसको अच्छा बोलेगा, और दूसरों के वीडियो पे रिएक्ट करके व्यूज छापूंगा। मैं इतना ही ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ तुम लोग सब लोग के साथ, ताकि सब एक ट्रांसपेरेंसी रहे मेरे और तुम्हारे बीच में। क्या फंबल हो रहा हो ना, चलो कोई नहीं, तो जल्दी से जल्दी कान में अपने ईयरफोन्स डाल लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं। फुल कैरी वाइज से इन्फ्लुएंस हो गया हो क्या? गाली नहीं दूंगा भर। सो आओ यार, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। और मैं तो बोलना ही भूल गया कि हम किस चीज पे ऐड कर रहे हैं। हम YouTube के दुनिया का इतना बड़ा जो रोग फैल चुका है, जो मुझे भी हो चुकी थी वो बीमारी, प्रैंक वीडियोस, उस पे करने वाले। और मुझे हो चुकी थी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका जवाब तो आप लोगों को कंटेंट के लिए कुछ भी एपिसोड 3 में ही मिलेगा। सो आओ यार, तो आगे बढ़ते हैं और है ना स्टार्ट करते हैं पहले तो वीडियो, रुको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर में। मैं हूं सिमरन वर्मा। दोस्तों आज थोड़ा मूड थोड़ा ऐसा इंट्रो है क्या तुम्हारा, तो बात करो। चिक चिक बूम फायर, इस इंट्रो को कोई बीट करेगा ना तो मुझसे बात करो। ये अब तक का मेरा मतलब ये वीडियो अभी से ही मेरी फेवरेट बन रही है। जा यार, ये दीदी ने कितना मस्त किया, रुको मेरे को भी साथ में करना है दीदी के। चिक चिक बूम फायर, इसको बीट करोगे ना तुम लोग तो बात करना। क्या है तुम्हारा इंट्रो सेट है, क्योंकि आज मैं प्रैंक करने गई थी जिस लड़के पे, वो लड़का थोड़ा सा अपसेट था। मूड अपसेट है उनका, मूड अपसेट है। प्लीज तुम लोग को कुछ करना मत। कुछ ज्यादा ही गुस्से में था वो, तो उसने काफी बदतमीजी कर दी। मैंने उसको बताया कि कैमरा लगा, मजाक करी, फिर भी उसने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, तो मैं ये वीडियो इसीलिए। मतलब उम्मीद क्या करते हो आप कि किसको एकदम उसके साथ प्रैंक कर दिया है, उसको बुरा लगा तो ऐसे बताऊंगा कि अरे कैमरा है, तो क्या वो ऐसा गले वाले मिलना चाहिए क्या तुम्हारे? यार रुक रुक आगे बढ़ते, ऐसा होता तो मैं कितने लोगों के साथ यही कर देता यार। पहले तो एकदम उनको उदास कर दो, कुछ भी कर दो, फिर बोलो एक मिनट पूरा कैमरा। अरे यार कोई ना, आगे बढ़ते डालना चाहिए भी, आप लोगों को पता चले कि लड़के कितनी बदतमीजी से बात कर सकते हैं। उसने मुझे बहुत मना किया वीडियो डाल के दिखाना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा जो करना है तो कर ले, मैं ये वीडियो तो पूरी डालूंगी कि लोगों को पता चले कि कितनी बदतमीजी। वीडियो तो मैं पूरी डालूंगी, जो करना है कर ले, सही है भाई। उसने इतना कंटेंट शूट किया है, अभी वो क्यों नहीं डालेगी? और उसकी ईगो भी बैठी है मुझे जैसे सबसे लग रहा है अभी। से बात करते हैं, तो ये क्या हुआ है वीडियो में, तो ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। क्या हुआ वीडियो में, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बिग ब्रेन टाइम। ये बंदा यार, अगर ऐसा कोई बंदा बैठा है तो प्लीज मैं सब लोग से कहना चाहता हूँ, उसके दूर दूर तक मत जाइए। तो इसके 50 रुपए काटने चाहिए ओवर एक्टिंग के। ये क्या है, ऐसा शाहरुख खान है ये जो ऐसा बैठा है? एक्सक्यूज मी भैया, यहाँ का बाहर जाने का रास्ता कहाँ होगा? सीधे जाके उधर चली जा, मुड़ जाइयो। सीधा जाके उधर चली जा, ये क्या बात हुई यार। ये तो अभी से मेरा फेवरेट आंसर हो चुका है। मैं कभी भी मेरा मूड खराब होएगा, कोई भी पूछेगा कि कोई रास्ता ये पूछेगा कि कहाँ है, सीधा जाके उधर चले जा। ये तो अच्छा है, गूगल मैप्स को अपन कभी रास्ता पूछते तो ऐसा नहीं बोलता, सीधा जाके उधर चली जा। और एक चीज नोटिस करो, कभी भी तुम किसकी इंसल्ट करोगे और वो सामने वाले को वो इंसल्ट भी अगर उसने अप्रिशिएट की है ना, तो तुमने समझो गॉड लेवल इंसल्ट की। यहाँ पे देखो उसकी थोड़ी है ना हंसी छूट गई। उसने भी थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया कि यार इतनी गंदी इंसल्ट क्या करता है यार, मतलब बात तो है दम, क्या दम है बात में।
रास्ते जाके उधर मतलब इतना गुस्से में क्यों बोल रहे यार, प्यार से बोल सकते हो ना, रास्ते ही पूछ रही हूँ ना। अरे चली जा सीधे जाके, कहा तो है मुड़ जा इधर। बंदी पूछ रही है उसको कि यार प्यार से भी बोल सकते हो, वो बंदा एकदम अड़ेली है, कहा तो सही सीधा जाके वहां से मुड़ जा। अरे इस ये बोल के भाई तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो कुछ। अरे मैं चली जाऊंगी, पर तुम यार इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो, एक रास्ता पूछ रहे हो तुमसे। तो कह तो दिया इधर जाके मुड़ जा, और कैसे बोलूं। मारो, वो अपने बात पे स्टिक किया है भाई, वो बोल रहा है कह तो रहा हूँ इधर जाके मुड़ जा। यार ये बंदा मेरा फेवरेट, ये मूड एक बंदा। तो तमीज से बोल लो पहली बात तो। तमीज नहीं है ना मेरे अंदर। बदतमीज हो? हाँ बहुत बदतमीज हो। तमीज नहीं है मेरे अंदर, इतना में तो उसको समझ जाना चाहिए बंदे को, अपना मतलब चली जानी चाहिए इतने में। कह रहे यार एक तो मैं पहले तो उसके पास जा रही है सर, मैं मेरा कंटेंट शूट कर रही हूँ, और बेचारा उसका मूड कैसा है उसका क्या मालूम, पर मैं जाके उसको उंगली करती हूँ, वो रिएक्ट करेगा तो गलत हुआ है, मैं तो अब पूरी वीडियो डालूंगी। यार चली जा यार बहन। बोलो क्या करोगे आप? कर तो कुछ नहीं रही मैं बस। भाई ने सीधा चैलेंज दे दिया, बोलो क्या करोगे आप? अरे यार भाई तू भी बहुत हार्ड है। कह रहे तो तमीज से बात करो, कोई लड़की आई तुम्हारे, लड़का तो नहीं है, तुम किसी को कैसे भी बोल रहे हो। जा तू चली जा, मेरा मूड खराब हो रहा है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, जा। अच्छा क्यों दिमाग खराब है कुछ बताओ। थी एक साली एक तो दीदी चिक चिक बूम फायर इंट्रो पे मेहनत मत करो, बट थोड़ा ऑडियो वीडियो तो सिंक कर दो यार, मतलब 1 मिलियन व्यूज है इस पे, दिल से बुरा लगता है यार। स्क्रिप्टेड है सब ठीक है, बट ऑडियो वीडियो थोड़ा सिंक कर दो यार। की जो चूतिया बना गई। या यहाँ यहाँ थोड़ा भाई ने सीधा अपना पास्टी खोल चुका है, एक ब्रेकअप एक खराब चीज वो पूरी जिंदगी भर गिनाएगा अभी यार, मतलब। अरे लड़की भी शायद उसको बुरे दिन पे मिली आज। मतलब ये मतलब सारी लड़की क्या होता है, मतलब तुम सही से भी बोल सकते हो ना। थी ना कह तो रहू, थी एक चूतिया लड़की। या तुम पहली बात तो लड़कियों को गाली मत दो, ये जो चूतिया ना दूं आपको दिया मैंने, तो ऐसे तो मैं भी लड़की हूँ ना। क्यों क्यों क्यों, बस एक ही वर्ड आ रहा है मेरा, क्यों क्यों ये वीडियो बनाई क्यों, और इतनी गंदी स्क्रिप्ट। मैंने तुझे दिया गाली? अभी पहली बात तो तमीज से बात करो। तमीज नहीं है ना मेरे अंदर। तमीज नहीं है तो अपनी बैक टू स्क्वायर वन, यहाँ वीडियो चालू हुई थी वापस यहाँ पे। तमीज नहीं है मेरे अंदर, बंदा सेल्फ अवेयर बहुत है। बदतमीजी ना अपने जेब में रखो पर। तो मेरी जेब में है तो। ओ चिक चिक बूम फायर ने भी एक सैवेज रिप्लाई दिया है, अपनी बदतमीजी अपने जेब के अंदर रखो। तुझे कह रहा हूँ ना आगे जाके मुड़ जा। ये बंदे को जब स्क्रिप्ट दबाई थी ना उसको खाली 5 ही 5 दी थी, आगे जाके मुड़ जा, आगे जाके घूम जा, आगे जाके ये, आगे जाके वो। अरे भाई ऐसी स्क्रिप्ट लोगे तो आगे जाके कुछ नहीं होगा। पहले मैं तो बदतमीजी से बात मत करो। पहले पीछे हो, मेरे से पीछे हो। मैं पीछे ही हूँ, ठीक है पीछे हूँ। एक तमीज होती है बात करने वाले कोई नहीं है ना। अभी ये प्रैंक वीडियो से ये हो गया, ट्यूटोरियल हो गया कि तमीज से कैसे बात करते यार। चिक चिक बूम फायर इतनी टैलेंटेड है यार, एक तो पहले प्रैंकस्टर है वो, फिर एक टीचर भी है। आई लाइक इट, चिक चिक बूम फायर। साइको हूं मैं। साइको तो अपने लिए होगी, मेरे लिए थोड़ी हो। साइको तुम तो मेरे लिए होगी, मेरे लिए थोड़ी हो यार। उसको नहीं पसंद आई कबीर सिंह यार। फिर मैं तू आई है, मैं आया हूं तेरे पास। तो मैं तुझसे रास्ता पूछने के लिए आई हूं यार, जाके मुड़ जा। छठी पंच है बंदे की, वो फिर से वही है, उधर जाके मुड़ जा, ये टी शर्ट बननी चाहिए उसके लिए। और कैसे बताऊ यार, सही में यार देखो शांत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम प्लीज। चिची बूम फायर, कभी तुम वीडियो देख रही होगी मेरी, गलती से भी 0.01% तुम कभी कुछ प्रोडक्टिव कर रही होगी और मेरी वीडियो देख लिया, तो वीडियो ऑडियो सिंक करो। मैं तो तुम बता सकते हो, पर ऐसे इतना गुस्सा इतना वो करना क्या चीज है, क्या हो गया है? एक लड़की थी
मेरे बताने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी। ट्यूटोरियल 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 से सीधा काउंसलर बन गए। पहले चिपचिप बूम फायर प्रैंकस्टर थी, फिर ट्यूटोरियल और भी काउंसलर। अभी बोलती बताओ तुम क्या हुआ है, वो बोले तेरे बताने से सॉल्व होगी क्या। सीधा कट टू कट बात करता है ये भाई अपना। सॉल्व क्या पता करूं मैं, कुछ हेल्प करूं या नहीं कुछ हो पाएगी ना, काउंसलर काउंसलर हेल्प करूं। सारी लड़की एक जैसी नहीं होती है, पहले बात तो ठीक है। सब लड़की एक जैसी नहीं होती है, सारी एक जैसी होती है, दोनों का अलग अलग है पॉइंट ऑफ व्यू। यार मैं क्या समझाऊं तुम्हें, काउंसलर बोलती है कि क्या समझाऊं तुझे, इसीलिए बहन मत पूछ क्या करना है उसे, पूछ ही मत ना उसको क्या हुआ है। अगर किसी ने चीट किया तो कोई बात नहीं होता, किसी ने चीट किया है कोई बात नहीं। ऐसा काउंसिलर मत बन बाबा, मत प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। हाथ भी कैसे जोड़े, फिर हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत कर। रहता ये सब तो तुम तो इतना गुस्सा है जो तो साल उसका गुस्सा यहाँ क्यों उतार रहे हो यार। तो मैंने कहा तो है, तूने पूछा रास्ता, मैंने कह दिया आगे जाके मुड़ जा। और ऑटो अपच आगे जाके मुड़ जा, स्क्रिप्ट में मेरे से लिखा लो यार, मैं अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दूंगा। इतने प्यार से भैया रास्ता बताओ, तुम तू जाके आगे प्यार से बात नहीं करता ना, इस टाइम मेरा दिमाग बहुत ओवर है, इतना गुस्सा है कि वो बोल भी नहीं पा रहा है। इस बार मेरा दिमाग ओवर है, ओवर है मतलब खत्म हो चुका है भाई। चलो तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे पास आई थी। मैं तुमसे एक बात बता दूं, मैं वैसे मेरा चैनल है चिक चिक बूम के, प्रमोशन प्रैंकस्टर टीचर काउंसलर, फिर डायरेक्ट प्रमोशंस पे आ गई है दीदी अब। इसलिए मैं तुमसे मजाक करने आई थी, मुझे नहीं पता तुम इतना अपसेट होके तो बैठे हो। हम पागल है जो आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तुम मुझे अभी रियलाइजेशन हुआ उस बंदे को, पर यार उसका भी एक सही है कि तुझे क्या मैं कार्टून वार्टून दिखता हूँ क्या जो तू मेरे पास ही आई है। अच्छा पहुंचता यार, अच्छा था भाई, नहीं पता था यार तुम इतने अपसेट होके बैठ रही, तो मैं आती नहीं तुम्हारे पास। कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है वो उधर, क्या नहीं पता तुझे, वो अपसेट होके बैठा है जो बंदा है ऐसे बैठे किधर, मैं उससे 4 किलोमीटर दूर रहा हूँ। कैमरा लगा है तो हम चूतिया हैं यहाँ पे। हाँ भाई, अगर वो रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं है तो उसका मतलब हाँ हो भाई, जरूर हो। मैंने कब बोला यार तुम चूतिया हो, हमेशा गुस्सा कर रहे जा रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ, मजाक कर रहे हो। हमेशा गुस्सा कर ही जाओगे तुम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या, उसका पैरामीटर क्या है गुस्सा होने का तुमको क्या मालूम। एक तो तुम जाते हो दिन भर किसके भी शूट कर रहे हो, फिर अभी सब अलग अलग है, ये पांच उंगली नहीं है ना एक जैसी। क्या चिक चिक बूम फायर, क्या प्रैंकस्टर बनोगे तुम। रिकॉर्डिंग करने का क्या मतलब है, मेरा काम है वीडियो बनाते हूं तो मेरा काम तो नहीं है ना, मुझे इस टाइम गुस्सा आ रहा है। दो जो जन पूरे अलग अलग यूनिवर्स से, वो कहती है मेरा काम है वीडियो बनाना, वो बोलता है कि मेरा काम थोड़ी है ये। गुस्सा थोड़ा शांत, रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। ओहो फुल और 50 रुपया कटने वाला है भाई, इतना बड़ा कैमरा तुमको दिखता नहीं है क्या, रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। उसने 2 मिनट पहले तुमको बताया उधर है कैमरा। आई लाइक इट। अरे पहले बता रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। और पहले तो हाथ मत लगाना ठीक है, बदतमीजी नहीं है। ओए सुन मेरी बात, हाथ लगाया क्या, मैंने हाथ लगाया, मेरे पास तू आई है मैं आया हूँ, रिकॉर्डिंग का। अब सीधा ये वीडियो अलग लेवल पे जा रही है, सीधा WWF हो रहा है यहाँ पे। और ये कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग भाई होगी, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम। हाथ मत लगा, तो तुम मतलब इसे बस कर मत लगा। जिस चीज पे तुम लड़ रही थी दीदी, हाथ नहीं लगा वही किया तुमने। लगाऊंगी मैं, मेरा मैं तो लगाऊंगी। आई लाइक इट, मुक्का मारती ना अभी तो भाई। मुक्का ने दिमाग खराब हो रहा है, पीछे हो जा पहले ओ हेलो। एक तो ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है दोनों का, जो एक दूसरे से दूर भी नहीं जाने का है और साथ में भी है। एक वीडियो बनाने के लिए लोग क्या क्या करना पड़ता है देखो जरा। क्या तमीज से बात कर लो ठीक है, बहुत हो गया, मार दूंगा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, क्यों चल पीछे। ओ हेलो ठीक है यार, मतलब मैं इतना प्रोफेशनल रिएक्टर नहीं हूँ, पर इस पे क्या रिएक्ट कर रहेगा।
कि यार एक तो चपेटी खा ली, चिक चिक बूम फायर असली कंटेंट के लिए कुछ भी करती है। फिर सोचा एक थप्पड़ 1.1 मिलियन व्यूज। पर यार एक थप्पड़ पता है तुम्हें तासी पन्नू ट्रिगर्ड हो जाएगी ये बात पे। यार एक चमाट खा ली उसने भाई एक वीडियो के लिए। बहुत हो गया बदतमीजी, ठीक है कैमरा का, ठीक है बहुत हो गया बदतमीजी। कब से क्या मालूम रोमांस चल रहा था, पता नहीं उसको क्या ये लीड होने वाली थी बात, बट ठीक है अभी बहुत हो गई। सही है यार अभी तो चमाट पड़ी है जस्ट। क्यों 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 कैमरा वही रहेगा, रिकॉर्डिंग भी बंद कर इसे, कहा कैमरा वही रहेगा रिकॉर्डिंग भी वही होगी, तो ऑब्वियस बात है कैमरा वही रहेगा तो रिकॉर्डिंग वही से होगी। ओ हेलो, पहले बदतमीजी से बात करें, पहले सॉरी बोलेगा, पहले तो सॉरी बोलेगा, ठीक है कंप्लेंट करूंगा मैं, फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले तो सॉरी बोलेगा, मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं ऑमलेट खाऊंगा। तू कंप्लेंट कर, मैं करूंगी तेरी कंप्लेंट, तू क्या कर दे जो होता है कर ले, वीडियो डलेगी भी और मैं चैनल है चिक चिक बूम के नाम, चिक चिक बूम, तुमको ये बंदे को पहले तो चिक चिक बूम नहीं पता यार, आर यू लिविंग अंडर अ रॉक, नाम से जो खाना खा ले, वीडियो अभी ये डलेगी पूरी रिकॉर्ड होगी। कैमरा का पहले ये बता, कैमरा यार भाई को जरा कैमरा बता दो और एक अच्छी स्क्रिप्ट दो, चार बार कैमरा बताया। भाई जब प्रैंकस्टर बोल दिया ना तेरा चेहरा भी ब्लर नहीं करूंगी ना, डेथ थ्रेट से भी वर्ड करे हो, समझा क्या, डाल के दिखा उसको भी लगभग 10 लाख देख चुके हैं, कर भी और डाल के दिखा। रिकॉर्ड करा तू, कैमरा नीचे करियो, रिकॉर्ड करियो पूरा, ओए बंद कर इसे, ओ ओए बंद कर उसे, यानी कैमरे के पीछे एक आदमी भी है कैमरा होल्ड करते हुए, फिर भी गांडे को 5 बार कैमरा नहीं दिखा है, करेगा वो बंद नहीं करेगा, बंद करो इसे, ओ हेलो, नहीं वीडियो खत्म। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर ऐसी रिएक्शन वीडियोस आप लोग को और चाहिए, और ये मैं तो एक बोलता हूँ ये जो प्रैंक वीडियो था ना ये तो कुछ ही नहीं था, इससे घटिया से घटिया से घटिया घटिया प्रैंक वीडियोस होते हैं, और इनके प्रैंक वीडियोस में तुम देखोगे ना हमेशा टाइटल प्रैंक गॉन रॉन्ग ही होता है, क्यों प्रैंक ऐसे डालेंगे तो व्यूज नहीं आते, प्रैंक गॉन रॉन्ग डाला ना तो व्यूज बहुत, इसीलिए तो हम ऐसे हर एक वीडियोस पे ऐसे रिएक्ट करते रहेंगे, और मैं एकदम वर्स्ट प्रैंक पे रिएक्ट नहीं करना चाहता ताकि मैं उन लोग को ये नहीं दू, क्या बोलते हैं उसे, भूल गए एक अच्छा वर्ड है, मतलब मैं वो सब चीजों का एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहता, एकदम वर्स्ट वर्स्ट रहेंगे ताकि और देखा जाएगा तो अभी कुछ प्रैंकस्टर्स को पुलिस पकड़ के भी लेके जा रही है, और बहुत अच्छा है जो ऐसे कुछ खराब खराब ऐसे नहीं है, तो भी तो ठीक था, अपने में बकचोदी हो रही थी, अपनी स्क्रिप्टेड थी, पर अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए तो जरूर मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कंटेंट के लिए कुछ भी, एपिसोड 3 जल्दी आने वाला है, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।